बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल एच बी विद तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मेरी तरफ़ से सबको कुर्बानी की ईद मुबारक। आज मैं आपको कुर्बानी के गोश्त के बारे में कुछ फ़ायदे बताऊँगी। इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले फ़ायदा ये है कि हम कुर्बानी का ये गोश्त लेंगे और इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और इस पे या शहीदों का अल्लाह ताला का जो नाम है वो पढ़ेंगे 313 मरतबा। तो ये हर बीमारी का इलाज है, ये लाइलाज बीमारियों का इलाज है और ये जो है बेऔलादी का, और जो भी आप इस पे नियत करके और ये नुस्खा आप करेंगे इस तरह, ये अमल बहुत ही आजमूदा अमल है। जिस बीमारी के लिए भी आप करेंगे इस तरह छोटे छोटे टुकड़े बनाएं और उस पर 313 मरतबा या शहीदों पढ़ें, और ये जो गोश्त है ये आप बेज़बान जानवरों को, जैसे कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, और अगर ये आप दरिया में या झील वगैरह में डालना आपको आसान है, डाल सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। मछलियाँ अगर खाएं तो ये बहुत ही आजमूदा अमल है। लाजमी आप करिएगा कुर्बानी का गोश्त। आजकल हर जगह पर है। अगर आपने कुर्बानी नहीं भी की है और किसी ने आपको कुर्बानी का गोश्त दिया है तो आप कर सकते हैं ये अमल। तो अगर ये आपको अच्छा लगे तो हमें दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।